Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आपके सामने आ चुके हूँ, जिसका टाइटल आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हो और अभी स्क्रीन में मैं बता रहा हूँ. इम्पोर्टेंट जनरल साइंस MCQ फॉर ऑल कम्पिटेटिव एंड PSU एग्ज़ाम. PSU एग्ज़ाम मीन्स आप कोई भी IOCL, BPCL, HPCL कोई भी PSU पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करेगा. ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. आपके सामने स्क्रीन में वन बाय वन क्वेश्चन आएगा. पहले आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए और उससे उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिए. उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन और आंसर देखिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए स्क्रीन में. द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज यूज्ड एज प्रिंटर इंक इज डैश. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज चारकोल, सेकेंड गैस कार्बन, थर्ड कार्बन ब्लैक, लास्ट कोक. ओके, सो दो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज यूज्ड इन द प्रिंटर इंक. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. फॉर योर स्किन, which of the following substance does not contain carbon? There are four options. First is sugar, second limestone, third wood, last sand. So the right answer is option D, that is sand. आपको पता होगी sand यानी silicon dioxide, जब हम silica भी कहते हैं, उसका chemical symbol होती है SiO2. देख लीजिए sand का chemical formula होती है, उसमें कोई भी आपको कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हमारी आंसर है सैंड. ओके, क्वेश्चन नंबर टू आंसर इज डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हिच वन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? अगेन देयर आर फोर ऑप्शन. वुड चारकोल, सेकेंड इज एंथ्रासाइट, थर्ड ग्राफाइट, लास्ट सूट. ओके, आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सूट. सूट का मतलब कोई भी चीज़ जब बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद जो आस, जब हम आस कहते हैं, वो जो आस रह जाते हैं उसको हम सूट कहते हैं, पाउंस भी कह सकते हो आप. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इज डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. व्हेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू इवापोरेट rapidly, it is changes into dash. There are four options. First is carbon dioxide gas, carbon monoxide, a snowy mass, a dense white fumes. So the right answer is again option D, that is a dense white fumes. और कुछ जब भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप evaporate करेंगे rapidly, तो उस time हम dense white fumes देखने को मिलेगा. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑब्जर्व कलरिंग मैटर? ओके, देर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज कोक, सेकेंड एनिमल चारकोल, थर्ड लैम्प लॉक, लास्ट नॉन दिवाव. उनमें से कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन भी आप कह सकते हो, जिस जो कि कलरिंग मैटर को ऑब्जर्व करता है. ठीक है, देर आर फोर ऑप्शन. कोक, एनिमल चारकोल, लैम्प प्लग, नॉन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एनिमल चारकोल. ओके, एनिमल चारकोल इज द राइट आंसर, जो कि कलरिंग मैटर को ऑब्जर्व करता है. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स. व्हिच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर? देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Which form of carbon, by which allotropic form of carbon is used to increase the
ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर। आपको पता होगा टायर रबर से बनती है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कौन सा कार्बन का फॉर्म यूज करते हैं। देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज कोक, सेकेंड पाराफिन ऑयल, थर्ड लैम्प ब्लैक, लास्ट कोल टार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक एक एक कार्बन का अल्टर होती है, उसको हम टायर का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी से लेंथी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक ऑफ फॉर्म, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन। ओके, मतलब कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप का फॉर्म निम्न से कौन कौन होती है। ओके, फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड चारकोल, थर्ड ग्राफाइट, फोर्थ लैम्प ब्लॉक, फिफ्थ कोबर, सिक्स फुलेरिन। जो सिक्स में कौन कौन का आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज I2Bi यानी ऑल ऑफ द अबव, सेकेंड ऑप्शन II II V, थर्ड ऑप्शन III VI, लास्ट ऑप्शन IBII V। ठीक है, आपको मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, कार्बन का दो ही फॉर्म का एलोट्रोप देखती है, एक तो क्रिस्टलाइन जो अभी हम यहाँ पे हेडिंग देख ला जाए CRY लिख देता हूँ, और एक अमोरफस। क्रिस्टलाइन का मतलब जो भी सब्सटेंस का एक फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप एंड स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोप कहते हैं। और कार्बन का जो फॉर्म जो कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, उसको हम अमोरफस कहते हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज लगा लीजिए, तो सही आंसर होगा, मैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। डायमंड यस एक क्रिस्टलाइन होती है, चारकोल नहीं होती है, ग्राफाइट और फुलेरिन देख लीजिए जो भी फिक्स शेप का होती है, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, ये तीनों ही कार्बन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, यानी III VI। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी III VI, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। आराम से आप ध्यान से देख लीजिए, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन तीनों ही कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। व्हिच द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर फोर ऑप्शन एंड ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, डायमंड, ग्राफाइट, चारकोल ना कोल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्राफाइट, व्हिच इज यूज्ड इन पेंसिल ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हार्डेस्ट सब्सटेंस इज गैस, देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज ग्राफाइट, सेकेंड सिलिका, थर्ड डायमंड, लास्ट फुलेरिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर नेचर एंड ऑल्सो हार्डेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ी सी आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन दिया रखा है C12H22O11, उसको हम जब कंसेंट्रेटेड H2SO के साथ मिला लेंगे तो हमको मिलेगा 12C+11H2। क्वेश्चन कह रहा है द कार्बन ऑप्टेन इन दिस रिएक्शन, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कार्बन ऑप्टेन हो रहा है, वो कौन सा कार्बन है। फर्स्ट इज एनिमल चारकोल, सेकेंड सुगर चारकोल, लास्ट कोक ना सॉरी ऑप्शन थर्ड कोक ना लास्ट वुड चारकोल। याद रखिए जब भी हम कंसेंट्रेशन H2SO4 यूज करेंगे तो हमेशा सुगर चारकोल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन डायमंड द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन आटम इज डैश, फर्स्ट ऑप्शन इज कोऑर्डिनेट, सेकेंड आयोनिक, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, लास्ट कोवैलेंट। सो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोवैलेंट, बिकॉज इन डायमंड ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन इज इन नॉन मेटल, सो इन बिटवीन टू नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल, सो कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑल्सो इजी क्वेश्चन, द जेनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज डैश, आपको सब याद होगा हाइड्रोकार्बन में थ्री टाइप होती है, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। उसमें जो अल्काइन का जेनरल फार्मूला क्या होती है,
उसका जो जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n-2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए CnH2n-2, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी, डी नहीं होती है, माइनस एन लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज सी, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n-2। ओके आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होती है सिंगल बॉन्ड होती है, यानी आपको अल्केन आपको अल्केन का जनरल फार्मूला बताना है। ठीक है, आपको अल्केन का जनरल फार्मूला बताना है, वो होती है CnH2n+2, यानी शायद फर्स्ट ऑप्शन है CnH2n+2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूँ, द कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड डैश, फर्स्ट ऑप्शन अल्केन्स ओनली, सेकेंड ऑप्शन अल्किन ओनली, थर्ड ऑप्शन अल्काइन ओनली, लास्ट ऑप्शन हाइड्रोकार्बन। सो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, द आंसर इज आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोकार्बन। जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कोई भी को पेट्रोलियम हो चाहे कोल का कुछ मटेरियल हो, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होती है। आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, द कंपाउंड हैविंग ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इज डैश, आपको चारों ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन सा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है अल्किन, आपको पहचाना चाहिए कौन सा अल्किन होती है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, अभी आपके लिए आसान हो जाएगा कौन सा ऑप्शन आपको CnH2n देख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन देख रहा है C3H6 यानी CnH2n, वही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज ए, C3H6 एक अल्किन होती है, उसमें डबल बॉन्ड पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डैश, फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड एल्डिहाइड, थर्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल, लास्ट नॉन ऑफ द अबव। सो आई हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको जला लीजिए या बर्निंग कर लीजिए, ऑक्सीडेशन कर लीजिए, उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना वाटर है, तो इसलिए हमारे आंसर है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 तरफ, इथाइन इज आइसोलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ गैस, देर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोइलेक्ट्रॉन मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, आप फर्स्ट इथाइन देख लीजिए, कोई भी इथाइन ले लीजिए, आप चाहे तो C2H2 एक इथाइन होती है, क्योंकि इथाइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, इसमें हम 2 कॉमन लीजिए तो CH2 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। उसमें देख लीजिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो होल ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 2 को अभी छोड़ दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन किस में है आपको देखना है, 7 इलेक्ट्रॉन उसमें कौन सा ऑप्शन में है, तो वही आंसर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्लोरीन, उसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे मिल गई नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑप्शन सी में जो नाइट्रोजन है वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका एटम नंबर 7 है, तो लास्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड वो भी नहीं हो सकता, हमारी जो आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, Which of the following is used to make aerated drink? There are 4 options. First is carbon dioxide, second nitrogen, third air, last none of the above. आपको पता होगी आपको कोई भी सब ड्रिंक, उसको हम aerated drink कहते हैं, आप उसको पी लीजिए, उसमें एक एसिड होती है कार्बनिक एसिड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वजह से ही बनती है, तो इस वजह से हमारी आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, द कुकिंग गैस इज मेनली मिक्सर ऑफ गैस, कुकिंग गैस मतलब जो कि आप LPG यूज करते घर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, उस मेनली कौन सा दो गैस होती है, आपको पता होगी LPG का जो मेन कंस्टेंट होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज सी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, हाँ देख लीजिए और एक रिएक्शन का क्वेश्चन, N2+3H2 गिव्स X, X इज डैश, फर्स्ट ऑप्शन N2H4, सेकेंड N3H, थर्ड NH3, लास्ट NH2OH।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज NH3। क्योंकि आपको के हाबर रिएक्शन पता होगी, जो भी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हाइड्रोजन हम मिला लेंगे तो हमको अमोनिया मिलेगा, तो इसलिए NH3 अमोनिया का सिंबल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज सी, सी द राइट आंसर, अमोनिया मिलेगा, एक्स इज अमोनिया। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 21 तरफ। ग्राफाइट इज यूज टू एज लुब्रिकेंट बिकॉज, ग्राफाइट का कौन सा प्रॉपर्टी के वजह से हम उसको लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज करते हैं? फर्स्ट इज इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो। इट इज ए नॉन कम्बोस्टिबल, वो भी नो। इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नो। इट इज ए लेयर, यस। इट इज ए लेयर, कैन स्लाइड वन ओवर अनदर। ग्राफाइट में आपको लेयर देखने मिलेगा, ऐसा ऐसा करके आपको लेयर देखने को मिलेगा, तो इस वजह से हम उसको हम लुब्रिकेंट हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तरफ। नाउ डे मेनी ऑटोमोबाइल्स आर यूजिंग CNG यानी कंप्रेसिव नेचुरल गैस टू मिनिमाइज पोल्यूशन। सियोली द CNG इज मेनली गैस यानी कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG में कौन सा गैस होती है? देर आर फोर ऑप्शन। फर्स्ट इज मीथेन, सेकेंड ब्यूटेन, लास्ट थर्ड नाइट्रोजन, लास्ट हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज ए, CNG है, मेनली मीथेन होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज नॉट क्रिस्टलाइन वन। देख लीजिए आप ही, ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लीजिए। डायमंड, चारकोल, ग्राफाइट, फुलेरिन, मैं आपको बताया था डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन उसका फिक्स शेप होती है तो वो क्रिस्टलाइन होती है। कौन नहीं होती है? ना चारकोल, ऑप्शन बी द चारकोल, क्योंकि उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, वो एक अमॉर्फस स्ट्रक्चर होती है कार्बन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज चारकोल। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। ग्राफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट इन मशीन बिकॉज इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इज डैस। फर्स्ट ऑप्शन इट इज क्रिस्टलाइन, सेकेंड हैज ए लेयर स्ट्रक्चर, थर्ड इट इज जेंट मॉलिक्यूल, लास्ट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगेन ग्राफाइट मेल तो आपको पता होगी कि क्रिस्टलाइन नेचर होती है, उसका मॉलिक्यूल मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होती है, सो इस वजह से उसका जो आंसर होगा इसी हज लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट हज लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस कारण वजह से भी उसको हम लुब्रिकेंट हिसाब से यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज बी, ओके। इसी तरीके से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले टाइम में मैं लेते रहूँगा, तो ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। जो कि आपके लिए सिर्फ जनरल साइंस नहीं दिए, आपकी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, साथ ही साथ POSU के लिए बहुत हेल्पफुल होगा उस वीडियो, तो उस वजह से आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया के साथ ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम मोटिवेट मिलेगा, अच्छा व्यू, अच्छा कमेंट आएगा तो हम और मोटिवेट मिलेगा, हम आपके लिए ऐसा ही NCQ का वीडियो लाते रहूँगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।